ਮਲਿਕਾ ਬੁਖਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਫੈਲਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। Especially being a woman, it was very traumatic for me. You know, I would never use this card, but obviously it's very bad. Aap ek aurat hain, aapke bare mein log baatein kare, aapki tasveerein share kare, it impacts you badly. Malika Bukhari ke waqiye ke baad Pakistan ki suchna mantralay ne ek Twitter account banaya taki fake news ko benakab kiya ja sake, lekin kuch hi ghanton mein is account ke bhi kai fake versions samne aa gaye और मिनिस्ट्री को इसका डिस्क्लेमर देना पड़ा। मंत्रालय दा साइबर विंग फेक न्यूज़ बस्टर ट्विटर अकाउंट चला रहा है। कुछ ही दिनों विच इस दे फॉलोअर्स दी तादाद हजारा तक पहुंच चुकी है, पर इस विच इमरान खान अते उन्हां दी सरकार बारे दलीला तो इलावा किसी होर फेक न्यूज़ दी चर्चा नहीं की गई। जो हमारा ऑलरेडी प्रिवेंशन ऑफ साइबर लॉज एक्ट ऑलरेडी देयर, तो बहुत सारे लोग जिनको पता भी नहीं होता, अगर इंडिविजुअल लेवल पे कर रहे हैं, उनको तो ये भी नहीं पता कि वो वायलेट कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों को। लेकिन अगर ग्रुप कर रहा है इस ऐसी चीज़ों को, तो इसका मतलब देर आर सर्टन अल्टीरियर मोटिव्स। मोहम्मद सुहेब जर्नलिज्म के विद्यार्थी ने, उन्होंने पिछले साल मजाक विच नवाज शरीफ के पनामा मुकदमे की गलत जजमेंट बनाई और उस तो सोशल मीडिया से अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर कर दिता, पर मजाक विच पाई गई यह पोस्ट इन्नी वायरल हुई कि टीवी चैनल भी असल फैसले की बजाय सुहेब की बनाई जजमेंट चलाते रहे। इतना ब्लेटेंटली इसको अपने वाटरमार्क के साथ न्यूज़ चैनल चला रहे थे, बहुत सारे जर्नलिस्ट जो हैं वो उन्होंने इसको पढ़ के सुनाया, और इवन इतना था कि कुछ न्यूज़ चैनल्स के अंदर तो लॉयर्स भी बैठे हुए थे, लेकिन उनको भी पता नहीं चल रहा था क्योंकि इस शॉर्ट ऑर्डर के अंदर बहुत सारी गलतियाँ थी। पाकिस्तान विच मीडिया विकास संगठन मुताबक फेक न्यूज़ का मामला बहुत गंभीर है, पर फिलहाल इसका कोई उपाय नहीं है। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਫਰੈਂਕਲੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਹੋਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਉਣਾ ਹੈ ਇਹ ਇੰਟਰਨਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹਕੂਮਤ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਤਾ ਹੈ, तो फिर हम दोबारा सहाफत छोड़ के प्रोपेगेंडा के ऊपर लग जाएंगे। पाकिस्तान विच मीडिया ते सेंसरशिप वधदी जा रही है। अजिहे हाल विच पत्रकारां नूं डर है कि सरकार सोशल मीडिया दी वरतों ते भी पाबंदी ला सकती है। चुमायला जाफरी, BBC News, पाकिस्तान।